क्या समस्या है दीदी आपके मोहल्ले ये में? समस्या है कि यहाँ 2008 में यहाँ संचालित हुआ रहा है आंगनबाड़ी। सरकार का तने 2011 में वहाँ ले जाई सोतेली टोला बांध टोला आंगनबाड़ी, तो वहाँ भी जा रहे हैं हम, तो जो बच्चे के माँ है वो नहीं भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर है तो हम नहीं भेजेंगे। वहाँ नाला भी पड़ रहा है और वहाँ 6-7 बच्चे हो रहे हैं, यहाँ 20 बच्चे हो रहे हैं। कोटक टोला जो है मोहल्ला है, इसमें जो है आंगनबाड़ी का बहुत जटिल समस्या है दीदी। क्या है कि हम लोगों को जो है बच्चे यहाँ दर संख्या जो है 20 बच्चे हैं, और कार्यकर्ता जो और पहले से भी जो है यहाँ स्थापित जो है आंगनबाड़ी को हुआ था, और कार्यकर्ता जो है अपने मनमानी जो है बहुत 2-3 किलोमीटर दूरी ले जाके अपने मन मर्जी लगा रहा है, आप क्योंकि कभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात की है, समुदाय के लोग? हाँ गए हैं हम, ये सामूहिक जो है बैठक लिए हैं दीदी वहाँ जाके, तो उनको बताया भी गया मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वीडियो के द्वारा जो है अपने परियोजना तक पहुंचाया गया, और जैसे कि हमारे बीच में हमने लिखित अपील भी किए उसमें तो नहीं हुआ, मगर हमारे जो सरोज समुदाय के पत्रकार जो हैं उनके द्वारा जो है हमारे ग्राम में आज बिल्डिंग का भी जो है स्वीकृति हो चुका है, अलाव डलने का है, उपयंत्री आने वाले हैं, और कहना चाहिए अभी बच्चे जो हैं पंचायत भवन में पढ़ भी रहे हैं। मुझे सरोज मैडम के माध्यम से ही पता चला, गांव वालों ने फिर डिटेल बताई, तो मैंने इसके पीछे फिर एक्शन लेना शुरू कर दिया। मैं दौरा के दौरान सरपंच सचिव से मिलती रही और इस प्रकार से मेरा प्रयास चलता रहा। उसके बाद ये समस्या को देख के मैं सारे लोगों से बात की, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पंचायत के 2 कमरे खाली करवाए। अगस्त से अब हर्रा टिकुर के कोठाटोला ग्राम, जहाँ के लोगों ने लिख के दिया था यहाँ संचालन होना चाहिए, वहीं पर लगना प्रारंभ हो गया 1 अगस्त से। ये सारी समस्याएं हमारे बच्चों के बारे में जो बनता रहा वो आज जो है अच्छे हैं। मेरा मानना है कि लोग अगर संगठित होकर समस्या के समाधान के लिए मन में अगर ठान लेते हैं तो बदलाव होना संभव हो जाता है। बदलाव में कोई देरी नहीं होती। मैं सरोज परस्ते, ग्राम हरेटीकुर, विकासखंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।